नमस्कार, जय भूमि पुत्र लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती सिब्बे। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। आखिर किस तरह से आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के आदिवासी बैगाओं का शहरी क्षेत्र में शोषण किया जाता है, ये ताजा उदाहरण सामने आया जब इन मजदूरों को महाराष्ट्र के कोल्हापुर ले जाया गया और उनके साथ अमानवीय कृत्य किए गए, ऐसा कहना है अपने गाँव पहुँचे लोगों का। देखिए ये खास खबर। ताजा मामला प्रकाश में आया घुगरी के कोंडरा गांव का, जहां करीब 40 बैगा लोग महाराष्ट्र गए हुए थे, जिसमें 21 लोग वापस आ गए, लेकिन 19 बैगा लोगों को अभी भी नहीं छोड़ा गया। कारण पर जब हमने वहां के जनप्रतिनिधि से बात की तो उनका कहना था कि बिचौलियों द्वारा लोगों को मोटी रकम का आश्वासन देकर खरीद लिया जाता है और उनके साथ मारपीट की जाती है, लेकिन प्रशासनिक तौर पर कोई उचित कार्रवाई नहीं की जाती। वही महाराष्ट्र के चंगुल से छूट कर आए पीड़ित का दर्द। वो हमें पहला फुसला करके 1500 रुपये लेकर के ले गया, वो पुणे ले गया, पुणे से फिर हरपुरा गांव में ले गया, हरपुरा गांव फिर वो हजरत खान वहाँ पास नहीं होती तो बहुत तकलीफ हो रहा था वहाँ नहाने धोने के लिए। काम करते समय हमें समय नहीं मिलता था वो नहाने के लिए, न मार्केट जाने के लिए समय नहीं मिलता था, ऐसे ऐसे बहुत दिन परेशान हुई हम। तो हम सोचा कि हमें अभी आपका में पैसा भी नहीं दे रहा था, राशन पानी सब खत्म हो गया था। तब हम 3 दिन तक वैसे चले रहा बिना नहाए, फिर हम सोचे कि ऐसे हम परेशान नहीं करते, हम छुपके भागने लगे। छुपके भागने लगे तो हम गांधीनगर चल गए, गांधीनगर में हम लोग सब पकड़ा गए। पकड़ने के बाद में वो दरबार धमकी करके जिस गाड़ी में हमें पकड़े थे उसी गाड़ी में बैठा लिया, और बैठाने के बाद में फिर उधर आधे गली में आधे रास्ते में ले जा करके उल्टा लटका करके बहुत बेरहमी से मारे हम लोगों। इतने सब होने के बाद भी वहाँ पे FIR नहीं लिखी गई, बहला फुसला के वहाँ का जो एक PI दुगल करके थाना इंचार्ज था राधा नगरी चौकी का, उन्होंने उस ठेकेदार से मिली भगत करके इनको 40,000 हाथ में दिया है और ये घर आया है। पूरा का पूरा इनका वो 40,000 इनके आने जाने में खर्च हो गया, और उसके बाद 3 महीने काम की, मतलब प्रति व्यक्ति को लगभग 30,000 रुपये एक व्यक्ति को मिलना था इनकी मजदूरी, वो कुछ भी नहीं मिली। आज हम श्रम विभाग इसलिए आए हैं क्योंकि हम यहाँ पे कंप्लेंट करने आए हैं कि इनकी जो भी राशि है महाराष्ट्र गवर्नमेंट से, हमारे मध्य प्रदेश मंडला जिले के श्रम विभाग के माध्यम से वहाँ पे ये कंप्लेंट दर्ज कराई जाए और वहाँ पे केस लड़ा जाए, और इनको पूरे हमारे ग्राम कंडरा और सुरहेली के लोगों को, लगभग 42 वो लोग हैं और 21 लोग, ये इतने लोगों को महाराष्ट्र सरकार वहाँ पे इनके पैसा दिए। हम लोग देख रहे हैं पिछले कुछ समय से मंडला ज़िले में उस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ ना होने की वजह से लेबर जो बाहर जाता है काम करने के लिए, वहाँ पे अलग अलग तरीके की समस्याओं का सामना इनको कई बार करना पड़ता है, जैसे कि पेमेंट ना होना, भुगतान ना होना, छुट्टियाँ ना मिलना। इसी बात को लेकर हमारे पास शिकायत आई थी कि यहाँ के लगभग 20 से ज़्यादा लेबर जो है वो महाराष्ट्र के कोल्हापुर ज़िले में काम करने के लिए गए हुए हैं और उन्हें कुछ समस्याएं वहाँ पर आ रही हैं। जैसे ही हमें इस बात की सूचना मिली तो हमने वहाँ की कोल्हापुर पुलिस से संपर्क किया, मैंने वहाँ के SP साहब से बात की और जो वहाँ का पुलिस स्टेशन था राधा नगरी उसे हमने कोऑर्डिनेट किया, और वहाँ पे 21 लोगों को हम लोगों ने जो वहाँ पे ज़बरदस्ती रोके हुए थे उनको वहाँ से फ्री कराया। जो उनका भुगतान था हमने 40,000 रुपये वहाँ पे उनका भुगतान कराया है और 21 लोग सकुशल यहाँ घुघरी वापस आ चुके हैं। आखिर कब तक मंडला का आदिवासी वर्ग पलायन का शिकार होगा और कब तक राजनीतिज्ञ लोगों का शिकार बनता रहेगा? कोई भी सरकार जमीन पर आती है और आदिवासी भोली भाली जनता को वोट बैंक के सहारे खरीद लेती है, लेकिन उनके सहारे के वक्त नजर नहीं आती। आखिर इनका पलायन कौन सी सरकार रोक पाएगी, ये देखना होगा। मंडला से अरविंद सोनी की रिपोर्ट।